हेलो दोस्तों, तो अपन आज अपने चैप्टर नंबर 16.3 पे पहुंच चुके हैं, दैट इज फॉरेंसिक ऑडिट। तो अपना बिल्कुल ऑडिट का फ्री फास्ट ट्रैक बैच चल रहा है, बिल्कुल फ्री वाला फ्री। वो आपको पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा पूरी प्लेलिस्ट का, बिल्कुल फ्री फास्ट ट्रैक बैच का। तो अपन इसके अंदर क्या स्पेशल कर रहे हैं, अपन समझने के साथ साथ मेन ध्यान रख रहे हैं रटने पर। मतलब समझेंगे तो सही, पर मेन ध्यान जिससे आपको मार्क्स मिलते हैं उस पे मैं दे रहा हूँ। मार्क्स किससे मिलते हैं आप जानते हो, मार्क्स मिलेंगे ऑडिट के अंदर रटने से, उसकी जिम्मेदारी मेरी है पूरी की पूरी। ठीक है, तो चलो अपन इसको कंटिन्यू करते हैं। और ये किससे करेंगे सर, ये करेंगे जो मैंने ऑडिट की बुक रिलीज करी थी, ओनली 500 पेजेस के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो है, सारे कॉन्सेप्ट पूरी कॉम्प्रिहेंसिव है, इंक्लूडिंग क्वेश्चंस भी है। ये क्वेश्चंस दिख ही रहे होंगे आपको, तो सारे हर कॉन्सेप्ट के नीचे क्वेश्चन, वो कॉन्सेप्ट के लिए कॉन्सेप्ट, उसके नीचे क्वेश्चन, पूरे बोल्ड हाईलाइटेड वगैरह सब कुछ है, प्रॉपर फुल्ली चार्ट एंड टेबुलर फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। चलो तो अब सबसे पहले फॉरेंसिक ऑडिट, फॉरेंसिक ऑडिट और फॉरेंसिक, सर फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है समझाने का 1% सेंस नहीं बनता है। तुम समझते हो फॉरेंसिक ऑडिट को समझाने का कोई सेंस नहीं है, तुम भी जानते हो। तुम समझते हो फॉरेंसिक ऑडिट क्या होती है। डीए चैपर में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ था, जब क्या हुआ था, फॉरेंसिक ऑडिट हुई थी। किसी भी कंपनी के अंदर फ्रॉड हो रहे हैं आजकल, तो क्या हो रहा है, फॉरेंसिक ऑडिट्स कराई जा रही है उनकी, कि असली में क्या हुआ था। जितनी भी आजकल एनबीएफसी जनरली अभी डूब रही है, एनबीएफसी वगैरह के अंदर फ्रॉड भी बन रहे हैं, बैंक वगैरह, तो उनके अंदर क्या हो रहा है बात में अपन को। अब फ्रॉड तो हो चुका है ऑलरेडी, अब हो तो चुका है, अपन को पता भी पड़ गया कि फ्रॉड हो गया है। अब असली में कौन कल्प्रिट था और कैसे फ्रॉड करा है, वो चीज जानने के लिए अपन को फॉरेंसिक ऑडिट करनी पड़ेगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे फॉरेंसिक ऑडिट। तो फॉरेंसिक ऑडिट और नॉर्मल ऑडिट के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है कि एक तो फॉरेंसिक ऑडिट भयंकर डिटेल वाली होती है। आप वहाँ पे जो ऑडिट के अंदर एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हो, यहाँ पे आपका रीजनेबल एश्योरेंस से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रॉपर एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस देने, एब्सोल्यूट एश्योरेंस भी नहीं, यहाँ पे कुछ बताना पड़ेगा, बिल्कुल फाइनल कंक्लूजन देना पड़ेगा एब्सोल्यूट वाला कि इस बंदे ने फ्रॉड करा था। और अगर कुछ भी गलत निकला तो इसकी कोर्ट तक प्रोसीडिंग जाएंगी, कोर्ट तक वहां पे आपको केस वगैरह जाएगा, इसका बहुत भारी इंप्लीकेशंस होता है। ठीक है ना, तो फॉरेंसिक ऑडिट, सबसे पहले फॉरेंसिक ऑडिट का मतलब क्या होता है, यूज ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल। यूज ऑफ अकाउंटिंग ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन स्किल, अकाउंटिंग स्किल भी, ऑडिटिंग स्किल भी, इन्वेस्टिगेशन स्किल भी, टू असिस्ट इन लीगल मैटर। जैसे डीएचएफएल वगैरह का पूरा केस, कोर्ट का मैटर वगैरह चल रहा था पूरा, तो कोर्ट ने बोला था इसकी फॉरेंसिक ऑडिट कराओ। ठीक है ना, तो लीगल मैटर के अंदर फॉरेंसिक वर्ड क्या होता है, जनरली इसको लैटिन के अंदर मतलब होता है ऑफ और बिफोर द फोरम। फोरम मतलब जानते हो ना तुम, कोर्ट वगैरह का भी जो लीगल जुडिक्शन जुडिक्शन होते हैं, जो भी जुडिक्शन होते हैं जहाँ पे अपन को प्रेजेंट करना पड़ता है अपना मैटर वगैरह, फोरम। ठीक है ना, लीगल फोरम्स जो जो होते हैं, कोर्ट हो गया, अपीलेट अथॉरिटी हो गई, कोई भी उस तरह के, तो वहाँ पे ऑन और बिफोर फोरम अपन को जो रिप्रेजेंट करना होता है उसको फॉरेंसिक वर्ड यहाँ पे जनरली यूज होता है, कोर्ट ऑफ लॉज। और बाकी जो होता है कि साइंस रिलेटिंग टू यूज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी इन इन्वेस्टिगेशन, फॉरेंसिक में साइंस और टेक्नोलॉजी यूज देना इन्वेस्टिगेशन में, टू स्टेब्लिश एविडेंस और इन कोर्ट ऑफ लॉ, कहीं भी फैक्ट को इस्टेब्लिश करना है, या तो कहीं भी जगह या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में। ठीक है ना, तो ये नॉर्मल हमारा फॉरेंसिक का मतलब हो गया जो आईसीआई ने अपनी रेफरेंस में दिया है। अब तुम आओ इसके डिफरेंस पे, किसका और डिफरेंस क्या है भाई, फॉरेंसिक ऑडिट का डिफरेंस। मैंने तुमको ऐसे तुमको यू तो डिफरेंस अगर मैं तुमको ना डिस्क्रिप्शन 2 मिनट में पढ़ाऊं, डिस्क्रिप्शन तुमको 2 सेकंड में याद हो जाएंगे, पर एग्जैक्ट कीवर्ड्स उठाने पड़ेंगे अपन को। इस चक्कर में मुझे तुमको एक छोटा सा निमोनिक भी देना पड़ेगा। आरबीआई कहता है किसी को भी ओटीपी मत दो, तो मैंने क्या करा, पर एक जने को ओटीपी दे दिया स्टॉक बाय करने के लिए, स्टॉक परचेस करने के लिए, एक जने को मैंने ओटीपी दे दिया स्टॉक परचेस करने के लिए, उसने तो मेरा पूरा का पूरा बैंक बैलेंस ही ऑफ कर दिया, पूरा का पूरा बैंक बैलेंस ही ऑफ कर दिया एडवर्सली, पूरा का पूरा बैंक बैलेंस ही ऑफ कर दिया एडवर्सली। ऐसे तो ओटीपी किसी को नहीं देता, आरबीआई कहता है अपना 3 डिजिट का पिन, सीवीवी, ओटीपी किसी को नहीं देना। ठीक है ना, पर मैंने क्या करा, मैंने अपना ओटीपी दे दिया एक स्टॉक, स्टॉक परचेस, स्टॉक मतलब शेयर वाला स्टॉक, तो शेयर स्टॉक परचेस करने के लिए मैंने एक जने को ओटीपी दे दिया। बाद में मेरे को पता पड़ा उसने मेरा पूरा का पूरा बैंक बैलेंस ही ऑफ कर दिया एडवर्सली, पूरा का पूरा बैंक बैलेंस ही ऑफ कर दिया एडवर्सली, तो ये फ्रॉड हुआ है मेरे साथ, तो मुझे फॉरेंसिक ऑडिट करानी पड़ेगी, मुझे फॉरेंसिक ऑडिट करानी पड़ेगी। तो ओटीपी स्टॉक परचेस करने के लिए आया था, बैंक बैलेंस ऑफ हो गया एडवर्सली, ओटीपी स्टॉक परचेस करने के लिए आया था, बैंक बैलेंस ऑफ हो गया एडवर्सली, ये हो गया ओटीपी स्टॉक ऑफ हो गया एडवर्सली।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है इसका भाई? नॉर्मल ऑडिट का होता है, थ्रू एंड फेयर देना है मैनेजमेंट, थ्रू एंड फेयर है फलाना दिख रहा है, या है कि फ्रॉड हो चुका है। अब मतलब बताओ तुमको, वेदर फ्रॉड हैव बीन एक्चुअली टेकन प्लेस इन द बुक, अब असली में बताओ तुम। अब यहाँ पे तुम कैसे अदर ऑडिट के अंदर जो टेक्निक यूज लोगे वो टी से टेक्निक यूज लोगे, सैंपल बेसिस चलेगा। यहाँ पे इनडेप्थ करना पड़ेगा, सब्सटेंटिव करना पड़ेगा। पीरियड ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग पीरियड के लिए होती है, यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं होती, किसी भी पीरियड तक मैं जा सकता हूँ भाई। ऑडिट फॉरेंसिक ऑडिट कर रहा हूँ तो स्टॉक में मैं क्या करता हूँ, जनरली मैं मैनेजमेंट की रिप्रेजेंटेशन पे रिलाई कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि मैं हर बार स्टॉक जाकर चेक करके आऊँ, फिजिकली सैंपल बेसिस पे कर लूँ या फिर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन मान लूँ। यहाँ पे मुझे इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करनी है, स्टॉक वगैरह, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ असेट, प्रोविजन, लायबिलिटी, सब चीजें। ऑफ बैलेंस शीट आइटम की मैं यहाँ पे चाहिए अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, पैसा अर्थमेटिकल एक्यूरेसी वेरीफाई करता हूँ। यहाँ पर मैं रेगुलेटरी एंड कॉन्ट्रैक्ट भी एग्जामिन करता हूँ, पूरे कॉन्ट्रैक्ट को डिटेल में पढ़ूंगा, कोई भी ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी किसका असली में कॉन्ट्रैक्ट क्या था, कोई रेगुलेटरी कंप्लायंस वगैरह तो नहीं है, वो सारी चीजें मैं में देखूंगा। एडवर्स फाइंडिंग कुछ भी हुई तो यहाँ पे ऑडिट के अंदर क्या करूंगा, एक बस क्वालिफाइड ओपिनियन दे दूंगा, काम खत्म। क्वालिफाइड ओपिनियन देने से यहाँ पे वो मामला पूरा कोर्ट तक जाएगा, पूरी लीगल डिटर्मिनेशन होगी इस फ्रॉड के इंपैक्ट की, ठीक है ना? तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो गया। ओटीपी दिया था मैंने स्टॉक परचेस करने के लिए, बाद में पता पड़ा मेरा बैंक बैलेंस ऑफ हो गया एडवर्सली। ऑल्सो ऑब्जेक्टिव, टी से टेक्निक, पी से पीरियड, स्टॉक, फिर उसके बाद ऑर्डर दिया था मैंने स्टॉक परचेस करने के लिए, बाद में मैंने पता पड़ा कि बैंक बैलेंस ऑफ हो गया, ऑफ बैलेंस शीट, एडवर्सली, एडवर्स फाइंडिंग इफेक्ट, ठीक है ना? अबाउट फोरेंसिक ऑडिटर, हु रिटेन्स फोरेंसिक ऑडिटर? भाई फोरेंसिक ऑडिटर कौन रखता है, कौन रिटेन करता है फोरेंसिक ऑडिटर को? फोरेंसिक ऑडिटर को कौन रिटेन करता है वो मैं तुमको बता देता हूँ। देखो फोरेंसिक ऑडिटर, पुलिस, कोर्ट, लॉयर। पुलिस एक जने को पकड़ के ले गई, उसको कोर्ट में पेशी कराया, कोर्ट में लॉयर ने उसकी जमानत करा दी, काम खत्म, पूरा एक केस है। बैंक, इंश्योरेंस, बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस दोनों क्या एक बिजनेस है, ये एक ग्रुप है, मैंने याद बनाया जानबूझ के बनाया याद करने के लिए। बैंक इंश्योरेंस बिजनेस, बैंक इंश्योरेंस सेम तरह का बिजनेस है, बैंक इंश्योरेंस सेम तरह का बिजनेस है, बैंक इंश्योरेंस सेम तरह का बिजनेस है, और एक गवर्नमेंट एजेंसीज, ये लिए लोग फोरेंसिक ऑडिटर रखते हैं। पुलिस वालों को फोरेंसिक ऑडिटर रखना पड़ता है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है, कहाँ पे पकड़ के ले जाती है, कोर्ट में, तो कोर्ट से कौन छुड़ाने आता है, लॉयर। ये पूरी चेन हो गई तुम्हारी, पुलिस, पुलिस कोर्ट में ले गई, कोर्ट से लॉयर आया छुड़ाने उसको, उसके बाद बैंक इंश्योरेंस का सेम बिजनेस होता है, बैंक इंश्योरेंस बिजनेस को भी लॉयर रखना पड़ता है, गवर्नमेंट एजेंसी को भी रखना पड़ता है, ठीक है ना? गवर्नमेंट एजेंसी अलग अलग तरह की होती है, लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह हो गया, इनको फोरेंसिक ऑडिट रखना पड़ेगा, बैंक को क्यों रखना पड़ेगा, बैंक में फ्रॉड वगैरह नहीं हो, इंटरनल ऑडिट वगैरह के लिए। इंश्योरेंस कंपनी को क्यों रखना पड़ेगा, हो सकता है कि कोई बंदा एडवर्स क्लेम उठा रहा हो, गलत क्लेम उठा रहा हो, असली के अंदर उसने गाड़ी खुद ने आग लगाई हो, पुरानी गाड़ी हो चुकी हो, फिर वो पूरा का पूरा क्लेम उठा रहा हो, या असली में इतना क्लेम बनता ही नहीं हो, उसकी गाड़ी चोरी हुई उसका, कोई ऐसी इस चीज़ों के लिए पता करना पड़ेगा, तो मुझे फोरेंसिक ऑडिटर रखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें। फॉरेंसिक ऑडिटर इन्वॉल्व इन, फॉरेंसिक ऑडिटर किस चीज में इन्वॉल्व होता है, वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए। फॉरेंसिक ऑडिटर क्या होता है भाई, वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके। फॉरेंसिक ऑडिटर क्यों गाई, क्यों उसको किस चीज में इन्वॉल्व होता है, वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके। फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके, फ्रॉड को डिटेक्ट और प्रिवेंट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके। वो एक्सपर्ट होता है फ्रॉड को प्रिवेंट और डिटेक्ट करने के लिए कंप्यूटर की मदद लेके। तो वो एक्सपर्ट टेस्टनॉमी देता है लीगल प्रोसीडिंग में, लीगल प्रोसीडिंग के अंदर वो बताएगा कि कौन कौन से एक्सपर्ट टेस्टनॉमी, मतलब एक्सपर्ट बनेगा वो लीगल प्रोसीडिंग के अंदर, वो एक्सपर्ट तरह की गाइडेंस देगा एक्सपर्ट की, हाँ मैं इसने ऐसा करा तो सही करा होगा, इसने असली में ऐसा करा, मतलब एक्सपर्ट होता है वो लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर, एक्सपर्ट विटनेस देता है। फ्रॉड को प्रिवेंट कर देता है वो इंटरनल कंट्रोल को, पहले रिव्यू करके कि आपका इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं है। फ्रॉड को डिटेक्ट कर देता है एनालाइज कर करा के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ। कंप्यूटर कंप्यूटर की मदद देता है वो, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन, कंप्यूटर से फ्रॉड ट्रेंड वगैरह एनालिसिस वगैरह सारे कंप्यूटराइज एप्लीकेशन उसको आती है कंप्यूटर यूज करना, ठीक है ना? तो वो सारी चीज़ें। सर्विस रेंडर बाय द फॉरेंसिक ऑडिटर, कौन कौन सी सर्विस वो फोरेंसिक ऑडिटर रेंडर करता है? फोरेंसिक ऑडिटर मेन पता है क्या क्या सर्विस वाला क्या काम करता है, मेन पता है उसका, इंडिविजुअल ढूंढेगा, पहले तो कोई इंडिविजुअल होगा ना उसको ढूंढेगा, उसको पहले पता करेगा ये बंदा ढूंढा, इससे क्या क्वेश्चन पूछने और इसे रिस्पॉन्ड देगा, उससे क्या क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है? इंडिविजुअल को ढूंढा, उससे जो क्या क्वेश्चन पूछने हैं और वो जो रिस्पॉन्ड देगा, उसके रिस्पॉन्ड को एनालाइज इवेल्युएट करना, उसके रिस्पॉन्ड को एनालाइज और इवेल्युएट करना, ठीक है ना? उसके रिस्पॉन्ड को एनालाइज इवेल्युएट करना। फाइनली जब सब कुछ हो गया तो मैं उसके उसके जो फाइनली मैंने एनालाइज और इवेल्युएट करा उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा और वो मेरा एविडेंस बन जाएगा, उसको मैं डॉक्यूमेंटेशन कर लूंगा और एविडेंस बन जाएगा। सबसे पहले मैं इंडिविजुअल को ढूंढूंगा कि सामने कौन बंदा है, किससे क्वेश्चन पूछने लायक बंदा है, किसको जवाब बताऊंगे। तो पहले मैं बंदा ढूंढूंगा, उस इंडिविजुअल से देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछने हैं,
और जो रिस्पॉन्ड देगा, रिप्लाई करेगा, उसको एनालाइज इवेल्यूएट रिसर्च करूंगा, उसके रिप्लाई में एनालाइज इवेल्यूएट रिसर्च करूंगा। तो उसको मैंने सब एनालाइज इवेल्यूएट रिसोल्व कर लिए, उसके बाद फाइनली मेरे को एक मेरा कंक्लूजन मिल गया, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा और वो मेरा एविडेंस बन जाएगा, उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा और वो मेरा एविडेंस बन जाएगा। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल, इंडिविजुअल से क्वेश्चन क्या पूछने, वो जो रिस्पॉन्ड करेगा उस रिस्पॉन्ड को मैं एनालाइज इवेल्यूएट और रिसर्च करूंगा, एनालाइज इवेल्यूएट रिसर्च करूंगा, फिर तो उसके डॉक्यूमेंट, उसको ये सब करने के बाद उसको मैं डॉक्यूमेंट कर लूंगा, वो मेरा एविडेंस बन जाएगा, ठीक है ना। तो कौन सा पहले मुझे इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, मतलब एक्सपर्ट एक इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करता है जिसको सारी नॉलेज हो, उससे क्वेश्चन करूंगा, हर किसी के सामने क्यों माथा पड़ूंगा, हर किसी से क्या पूछूंगा मैं। आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल टू द मोस्ट नॉलेज परफेक्ट, उसको मैं क्राफ्ट करूंगा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्राफ्ट करूंगा, वो जो रिस्पॉन्ड करेगा क्वेश्चन को, जो उसने जो क्वेश्चन मेरे से भी पूछे उसको रिस्पॉन्ड दूंगा मैं, फिर उसका रिसर्च करूंगा मैं फैक्ट ऑफ द केस पे, एनालाइज करूंगा प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट पे मैं, और इवेल्यूएट करूंगा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह पे, फिर फाइनली मैं आइडेंटिफाई द डॉक्यूमेंट टू बी रिक्वेस्टेड, डॉक्यूमेंट क्या क्या मंगाने उससे मुझे, फाइनली मैं आइडेंटिफाई करूंगा, प्रिजर्व करूंगा एविडेंस को, आइडेंटिफाई वो प्रिजर्व करूंगा एविडेंस को, डन। अब एरिया वेयर सर्विसेज ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटेंट ऑडिटर जनरली रिक्वायर्ड, सर्विसेज कहाँ कहाँ उसकी रिक्वायर होगी फॉरेंसिक अकाउंटेंट की। द सर्विस रेंडर्ड बाय द फॉरेंसिक अकाउंटेंट आर इन ग्रेट डिमांड इन द फॉलोइंग एरिया, ये तीन एक तरह के, ये दो एक तरह का, ये एक अलग, तीनों तरह के डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट डिस्प्यूट कहाँ कहाँ सॉल्व होते हैं, एक तो कोर्ट में होते हैं जो क्रिमिनल डिस्प्यूट वगैरह होते हैं, एक तुमने आर्बिट्रेशन पढ़ रखा है लॉ के अंदर जो आर्बिट्रेशन होता है, एक जो अपना प्रोफेशनल एथिक्स का कोई भी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस होता है वो हो गया, ये तीन तरह के डिस्प्यूट है। यहाँ पे एक्स फॉरेंसिक ऑडिटर रिक्वायर होगा, फॉरेंसिक अकाउंटेंट फॉरेंसिक ऑडिटर रिक्वायर होगा, वो चेक करेगा कि असली के अंदर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या सच्चाई है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है, वो सब चीजें वो फॉरेंसिक ऑडिटर चेक करेगा। आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सर्विस भी दे सकता है फॉरेंसिक ऑडिटर, फॉरेंसिक ऑडिटर को खुद को आता है तो एनालाइज करेगा सब कुछ, पूरा फैक्ट ऑफ द केस देखेगा, उसके बाद वो जजमेंट सुनाएगा, फैसला सुनाएगा, कोई भी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस हुई है, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ गास जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो वो सब चीजें चेक करेगा। तीन तरह के डिस्प्यूट क्या हो गया, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस केसेस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस और आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या होते हैं, कोर्ट के अंदर होता है, और कोर्ट का अल्टरनेटिव क्या होता है, आर्बिट्रेशन, और उसके अलावा एक और प्रोफेशनल एथिक्स में अपने पढ़ा था प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, ठीक है ना, तीनों डिस्प्यूट के रिलेटेड हुए। अब ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट है, ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट, ये डिस्प्यूट का सेटलमेंट, डिस्प्यूट को भी तुम इधर भी डाल सकते हो, डिस्प्यूट सेटलमेंट वरना इधर भी डाल सकते हो, दोनों जगह सेटल जाएगा, ठीक है। तो डिस्प्यूट का तीन जगह सेटल होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, आर्बिट्रेशन, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस। अब डिस्प्यूट का सेटलमेंट किस चीज का डिस्प्यूट है, इंश्योरेंस क्लेम का डिस्प्यूट है, तो डिस्प्यूट इंश्योरेंस क्लेम का डिस्प्यूट है, सामने वाला बोल रहा है जो इंश्योरी था, इंश्योर्ड बंदा था, वो बोल रहा है कि मैं तो 1 लाख का क्लेम है, पर फॉरेंसिक ऑडिटर पता लगा के बताएगा कि नहीं इसलिए 1 लाख का क्लेम नहीं, इसका 50,000 का क्लेम ही बन रहा है, इसको 50,000 भी तो फैक्ट ऑफ द केस असली में ये है, तो वो सब चीजें फॉरेंसिक ऑडिटर पता लगाएगा। और एक फ्रॉड का इन्वेस्टिगेशन ऑफ रिस्क कंट्रोल रिव्यू, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन करने में भी इन्वेस्टिगेटर मदद करता है, फ्रॉड इन्वेस्टिगेटर। अब फॉरेंसिक ऑडिटर इन्वेस्टिगेटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, भाई फॉरेंसिक ऑडिटर बहुत नॉर्मल चीजें, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, क्यूरियोसिटी, स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट, ऑब्जेक्टिविटी, रिटेलिटी, कॉन्फिडेंस, ठीक है। मतलब उसको एक कोई नॉर्मल बंदा नहीं होना चाहिए, उसका जो माइंड में जो स्किल होनी चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन होनी चाहिए, ये दो पॉइंट ध्यान से देखो, सेम है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग और स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगी तभी तो मैं इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग ले पाऊंगा, ठीक है ना। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होनी चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, मैं हर चीज को जानने के लिए क्यूरियस होना चाहिए, ठीक है ना, क्यूरियस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, क्यूरियस होना चाहिए, होना हर जगह साउंड जजमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, हर जगह साउंड जजमेंट होना चाहिए, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म होना चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट जो तुमने फंडामेंटल पढ़े होते हैं अपने फंडामेंटल ऑफ एथिक्स के, वही है, ऐसे 200 के अंदर भी दे रखे हैं ये सारे पॉइंट, तो ये वाले वो वाले याद कर लो, जो ऑडिटर में होने चाहिए, स्केप्टिस होना चाहिए ऑडिटर में, प्रोफेशनल जजमेंट होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, तो ये सेम वही पॉइंट है तीनों, ये वो कर सकते हो, एक हो गया आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमेजिनेशन होना चाहिए, क्यूरियस होना चाहिए, ये तीनों पॉइंट है, एक कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और डिटेल ओरिएंटेड, हर चीज में डिटेल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये चीज़ तुमको याद हो जाएगी इजीली, ओके।
स्किल अब क्या होनी चाहिए फॉरेंसिक ऑडिटर की? अब भाई तुमको समझो, तुमको ऑडिट करनी है, फॉरेंसिक ऑडिट करनी है, सामने वाला बड़ा ही अनफ्रेंडली आदमी है भाई, क्यों कोई बंदा सामने वाला एग्री हो जाएगा फॉरेंसिक ऑडिट कराने के लिए? उसके ऊपर जब फ्रॉड का इंजाम लगा है तो वो तो बड़ा ही अनहॉस्पिटेबल बंदा होगा, वो तुमको डाटा देने में बिल्कुल आनाकानी कर रहा होगा और तुमको डाटा नहीं दे रहा होगा। पर भाई मैं तो फॉरेंसिक ऑडिटर में जाऊंगा वापस, सबको साइड में बैठा दूंगा, तुम बैठो एक जगह, पुलिस ले जाऊंगा साथ में, तुमको एक जगह बैठा दूंगा, मैं खुद जाके वहां पे कंप्यूटर ऑन करूंगा। कंप्यूटर क्या करा मैंने, कंप्यूटर चलाया, वहां से उनके अकाउंट्स निकाले, कंप्यूटर चलाया वहां से उनके अकाउंट्स निकाले, उनकी अकाउंट की मैंने खुद नहीं ऑडिट करी, डाटा एनालिटिक्स भी करा, ठीक है ना। मैंने क्या करा, कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर चला के अकाउंट्स निकाले, कंप्यूटर चलाया, कंप्यूटर चला के अकाउंट्स निकाले, उसकी मैंने खुद नहीं ऑडिट करी, खुद नहीं एनालिसिस कर लिया, कंप्यूटर भी मैंने ही चलाया, अकाउंट भी मैंने निकाले, उनकी ऑडिट और एनालिटिक्स भी मैंने कर लिया कि भाई इनके जो अकाउंट वगैरह है वो लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से ही बने हुए हैं ना, कोई क्राइम तो नहीं करा, कोई क्राइम तो नहीं करा, अगर करा होगा तो मैं एविडेंस यहाँ से ले लूंगा। मैं क्या देखूंगा अकाउंट्स को ऑडिट करते वक्त, एनालिटिक करते वक्त, कि इन्होंने सारे के सारे लीगल फ्रेमवर्क फॉलो करे है ना, कोई क्राइम तो नहीं करा, मनी लॉन्ड्रिंग मान लो, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब पामला एक्ट मान लो और मनी लॉन्ड्रिंग मान लो, तो पामला एक लीगल फ्रेमवर्क हो गया, क्राइम क्या हो गया, पामला को कॉन्ट्रावेंट करना, कोई भी लीगल फ्रेमवर्क सारे फॉलो करे ना, कोई भी क्राइम तो नहीं करा, वरना मुझे एविडेंस ढूंढना पड़ेगा, वरना मुझे एविडेंस ढूंढना पड़ेगा। तो स्किल क्या होनी चाहिए फॉरेंसिक ऑडिटर के अंदर, कंप्यूटर चला के, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चलाना आना चाहिए उसको, अकाउंट्स निकाले, अकाउंटिंग एंड बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम उसको आना चाहिए, ये सारी चीज़ उसको आनी चाहिए, अकाउंटिंग पता होनी चाहिए, बिजनेस रिपोर्टिंग सिस्टम और पता होना चाहिए, सारे ऑडिट एंड डाटा एनालिटिक करा, मैंने खुद ने कंप्यूटर चला के अकाउंट निकाले और उसका ऑडिट एंड डाटा एनालिटिक करा, डाटा एनालिटिक करना आना चाहिए, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पता होने चाहिए, ऑडिट के प्रोसेस पता होने चाहिए, लीगल फ्रेमवर्क के बारे में, सबके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्राइम क्राइम क्रिमिनोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एविडेंस गैदर कैसे करने वो उसको आना चाहिए, ये सारी चीज़ फॉरेंसिक ऑडिटर को आनी चाहिए, ठीक है। ये व्हाट पॉइंट यू शुड कीप इन माइंड, ये वो ये ऊपर पढ़ा है उसी के रिलेटेड क्वेश्चन है। अब प्रोसेस ऑफ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फॉरेंसिक अकाउंटिंग का क्या प्रोसेस होता है? स्टेप्स, मैंने तुमको इन्वेस्टिगेशन का पढ़ाया था, इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोसेस था वो याद करो। इन्वेस्टिगेशन किस पे हो गई थी, डीएसपी पर इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, डीएसपी पर ही इन्वेस्टिगेशन हो गई थी, डी से क्या था यहाँ पे, टी था, टीएसपी पर। अब यहाँ पे फॉरेंसिक अकाउंटिंग क्यों करानी है भाई, आईपी एआरसी कंपनी जानते हो, असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, वो आईपीओ ला रही है अपना, कभी सुना कोई असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एआरसी कंपनी अपना आईपीओ ला रही हो, कभी सुना क्या एआरसी कंपनी आईपीओ ला रही हो? मैंने तो नहीं सुना। जैसे ही मैंने सुना भाई आईपीओ ला रही है, वही एआरसी कंपनी आईपीओ ला रही है, वो भी एआरसी कंपनी, सुन के कुछ गड़बड़ हो गया, सुन के कुछ गड़बड़ लग गया, मैंने कहा इसकी फॉरेंसिक अकाउंटिंग की जरूरत है, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है, इसकी फॉरेंसिक ऑडिट की जरूरत है। आईपीओ, इसको ओ मान के चलना ईएसली के अंदर, तो पर आईपीओ ला रही है एआरसी कंपनी, तो फॉरेंसिक अकाउंट की जरूरत है। अब भाई ऐसे तो अगर तुम इसके निमोनिक भी नहीं देखो ना तो भी बहुत नॉर्मल बेसिक चीजें हैं। तुम अगर किसी की फॉरेंसिक ऑडिट कंपनी करने जाओगे, सबसे पहले मैं इनिशियलाइजेशन करूंगा, जो भी डाउट है मेरे को, असली मोटिव क्या है मेरा फॉरेंसिक ऑडिट का, मेरा क्या टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वगैरह है, वो सब मैं पता कर लूंगा, वो सब चीजें इनिशियलाइजेशन में आ गई, ऑडिट के इनिशियलाइजेशन लेवल पे मैं सब चीजें कंफर्म कर लूंगा। आईपीई आईपीओ, पी से फिर मैं प्लानिंग बना लूंगा ऑडिट करने की, ऑडिट बनाने की प्लानिंग बना लूंगा मैं, प्लान विल टेक इन टू अकाउंट नॉलेज गेन बाय द मीटिंग, जो भी हमारे बीच में मीटिंग हुई थी उसको उस हिसाब से मीटिंग के हिसाब से प्लान बना लूंगा मेरा, फिर एविडेंस गैदर, रिलेवेंट एविडेंस मैं गैदर करूंगा, तो बाद एआरसी एनालिसिस करूंगा, एनालिसिस परफॉर्म एनालिसिस, इसके बारे में बता दूं, मतलब एनालिसिस करना, उसके एविडेंस को गैदर करना, उसका और डाटा का एनालिसिस करना, अब आगे आऊंगा ये डिटेल के अंदर आएंगे एनालिसिस पे, फिर रिपोर्टिंग करना, रिपोर्टिंग करने के बाद जो भी रिपोर्टिंग की कॉन्सिक्वेंसेस हुई, एडवर्स फाइंडिंग है, तो मुझे कोर्ट तक भी मुझे मदद करनी पड़ेगी, कोर्ट प्रोसीडिंग में भी मुझे मदद करनी पड़ेगी, उनकी कोर्ट प्रोसीडिंग में मदद करनी पड़ेगी। तो क्या हो गया, वो आईपीओ ला रही है एआरसी कंपनी, आईपीई एआरसी, आई से इनिशियलाइजेशन, पी से प्लेन, ई से एविडेंस गैदर, ए से एनालिसिस, आर से रिपोर्टिंग, सी से कोर्ट, ठीक है ना। तो इनिशियलाइजेशन हो गया, प्लेन बनाना हो गया, एविडेंस गैदर कर लिया मैंने, एनालिसिस में कैसे करूंगा ये इंपॉर्टेंट, इसका अलग से क्वेश्चन भी आया है, तुम भाई एज एन फॉरेंसिक ऑडिटर कैसे एनालिसिस करोगे? स्टेटिस्टिक रिलेटेड पॉइंट हो गए ये चार, स्टेटिस्टिकल रिलेटेड पॉइंट हो गए चार, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन स्टेटिस्टिकल रिलेटेड पॉइंट है, प्रेजेंट वैल्यू निकालना स्टेटिस्टिक्स का काम है, रिग्रेशन सेंसिटिव एनालिसिस करना स्टेट्स का काम है, चार्ट एंड ग्राफ यूज करना स्टेट्स का काम है, कंप्यूटराइज एप्लीकेशन स्प्रेडशीट वगैरह से करने, ये सारे काम स्टेट्स का काम है। चारों पॉइंट स्पेशल स्टेटिस्टिकल रिलेटेड हो गए, ये चारों पॉइंट तुम याद कर लेना।
एक हो गया कि लार्ज नंबर इकोनॉमिक डैमेज मुझे कैलकुलेट करना है, इकोनॉमिक डैमेज, तो मुझे लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे मुझे समराइज करना पड़ेगा, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को मुझे समराइज करना पड़ेगा। ये दो पॉइंट अलग से याद हो जाएंगे। कैलकुलेट इकोनॉमिक डैमेज, अब मैं एनालिसिस में कैसे करूंगा, कुल मिला के ऐसा है, वेरियस एनालिसिस में कैसे करूंगा, कोई भी डैमेज हुआ है, इकोनॉमिकल डैमेज हुआ है, कोई भी लाइक इंश्योरेंस वाला है या कोई भी क्लेम वगैरह है, कहीं भी मुझे लॉस हुआ है कंपनी को, तो इकोनॉमिक डैमेज मुझे कैलकुलेट करूंगा मैं, एनालिसिस करूंगा। तो क्या करूंगा कि कितना असली के अंदर कितना लॉस हुआ है इस बंदे को, इस कंपनी को, वो लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को मुझे समराइज करके एनालिसिस करना पड़ेगा। ऐसे तो हजारों तरह के डाटा होंगे, तो ऐसा तो है ना मैं कोर्ट में हजार तरह का डाटा प्रेस करूँ, मुझे एक फाइनल समरी बनानी पड़ेगी ना मेरे को। लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, 100 करोड़ की सेल से 100 इनवॉइसेस फटे हुए, क्या 100 करोड़ इनवॉइसेस फटे हुए, उसके अंदर मुझे 15-20 इनवॉइस निकालने पड़ेंगे, समराइज करना पड़ेगा सबको, तो मेरे को सबको समराइज करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा सामने को कितना लॉस हुआ, लार्ज नंबर ऑफ इनवॉइस, लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन को मुझे समराइज करना पड़ेगा। और ये स्टेट्स रिलेटेड पॉइंट क्या हो गए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन मुझे चेक करनी पड़ेगी डिस्काउंट रेट लगा के अप्रोप्रिएट, रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस भी मेरा काम आएगा एनालिसिस करने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि मैं किस चीज़ की एनालिसिस कर रहा हूँ, किस फ्रॉड की एनालिसिस कर रहा हूँ, इंश्योरेंस वगैरह की चीज़ के अंदर, इंश्योरेंस अगर मैं चेक कर रहा हूँ, इंश्योरेंस रिलेटेड में काम कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बहुत काम की है, यही नॉर्मल बिजनेसेस में ये चीज़ें बहुत कम काम की है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, रिग्रेशन एंड सेंसिटिव एनालिसिस भी बिजनेस का करना पड़ सकता है मुझे, चार्ट एंड ग्राफिक मेथड में यूज लूंगा एनालिसिस करने के लिए, यूटिलाइज अ कंप्यूटराइज एप्लीकेशन सच एज स्प्रेडशीट डाटाबेस वगैरह में काम में लूंगा एनालिसिस करने के लिए, परफॉर्म मैं ट्रेसिंग ऑफ असेट, असेट्स को ट्रेसिंग करने का काम करूंगा। ठीक है ना, ये याद हो गया होगा तुमको। अब फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक्स शायद लास्ट है। हाँ, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल ही तुमको, ये सब ऊपर वाले से रिलेटेड है, हमारा ये टॉपिक लास्ट की बचा है अपना। फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक, फॉरेंसिक ऑडिट कैसे करनी है तुमको, फॉरेंसिक ऑडिट कैसे करनी है पहले याद करा दूं तुमको, जो भी है 7 तरह की फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक है जो अपने आईसीए ने दे रखी है। क्या क्या फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक है, फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक वाला, फोरेंसिक ऑडिट कैसे करनी है, टेक्निक फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक तुमको याद कैसे करनी है भाई। उन्होंने क्या करा है, जीएसटी का जीडी करा है, ग्रुप डिस्कशन, समझते हो ना, जीडी ग्रुप डिस्कशन, जीएसटी का जीडी कराया, उसके अंदर फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे, सीसी है ना साले, सीसी एक नंबर के सीसी है, जीएसटी के जीडी में फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक कौन सिखाता है, सीसी है साले, जीएसटी के जीडी के अंदर फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे, सीसी है ना, जीएसटी के जीडी के अंदर कौन फोरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखाता है, सीसी एक नंबर के, सीसी मतलब चमन चोमू, और कोई सीसी वाला फुल फॉर्म और दूसरा नहीं है, ठीक है ना, चमन चोमू, ओके यही फुल फॉर्म है। तो सीसीए साले जीएसटी के जीडी के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे हैं, गलत है भाई, गलत कर रहे हैं, कौन सिखाता है जीएसटी के जीडी के अंदर जीएसटी फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक, सीसीए साले जीएसटी के जीडी के अंदर सिखा रहे हैं, सी से कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, सी से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, सी से क्या हो गया दो, कंप्यूटराइज ऑडिट टेक्निक, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक, और एक कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, कंप्यूटराइज असिस्टेड ऑडिट टेक्निक मतलब कार्ट, एक तो सी से क्या हो गया कार्ट, एक हो गया कॉमन सॉफ्टवेयर टूल सीएसटी, कार्ट और सीएसटी कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, सीसीए साले जीएसटी के जीडी में, जनरल और टेक्निक जी से एस से स्टेटिस्टिकल, बाकी नॉर्मल नाम है तुमको याद तो पहले से ही है, बस यू ये रिवाइज मारने, टी से जी एस एस से स्टेटिस्टिकल, टी से टेक्नोलॉजिकल, जीडी में जीडी हो गया जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, डी से डाटा माइनिंग, जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, डी से डाटा माइनिंग, एस से क्या, एस जीएसटी, जीएसटी जीडी, जी से दो हो गए, एक तो जी से तुम्हारा क्या हो गया जनरल ऑडिट टेक्निक, जी से जनरल ऑडिट टेक्निक, और एक जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, एक तो ऑडिट टेक्निक और एक ऑडिट सॉफ्टवेयर, जनरलाइज ऑडिट टेक्निक और जनरल ऑडिट सॉफ्टवेयर, जनरलाइज ऑडिट टेक्निक और जनरल ऑडिट सॉफ्टवेयर, सी से भी दो थे कार्ट और सीएसटी कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, जी से भी दो है, सी से भी दो, जो से भी दो है, सी से क्या है दो कार्ट, एक और सी से कंप्यूटराइज कॉमन सॉफ्टवेयर टूल, और जी से दो क्या है सॉरी स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल सो में जी से वापस सीसी, सीसीए साले जीएसटी के जीडी के अंदर, सीसी सीसीए साले जीएसटी के जीडी के अंदर फॉरेंसिक ऑडिट टेक्निक सिखा रहे, सी से दो क्या थे, एक तो बताया था कार्ट और सी से सीएसटी, उसके बाद दो के बाद जी से दो क्या थे जनरल ऑडिट टेक्निक और जनरल ऑडिट सॉफ्टवेयर, ठीक है ना। अब नीचे चलो, अब वापस एक अब डिटेल के अंदर चलते हो, कंप्यूटराइज ऑडिट टेक्निक, इंक्रीजिंग माउंटेनियस डाटा, बहुत सारे तरह के डाटा होते जा रहे, तो कंप्यूटर और टेक्निक मतलब ऑडिट के अंदर मेरे पास एक एज एन ऑडिटर मेरे पास टूल होगा कार्ट, कंप्यूटर और टेक्निक मेरे पास अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर होंगे, टूल्स होंगे, जिसमें लार्ज नंबर ऑफ डाटा को समराइज करके बिल्कुल अच्छे से सब कुछ मैं पता कर लूँ, बिल्कुल ऑडिट कर लूँ। अब ये हर एक ऑडिट फर्म के अंदर अपने अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ कुछ परचेज होते हैं, और उसके अंदर जैसे अलग अलग तरह के ऑडिट में, तो एमएस एक्सेल भी मानोगे तो एक तरह से वो कार्ट का पार्ट ही होता है, ऐसे कॉमन सॉफ्टवेयर टूल में भी आ गया पर वो कार्ट का भी आ गया, अलग अलग तरह के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो मेरे को ऑडिट में मदद करेंगे लार्ज नंबर ऑफ डाटा को समराइज करने में, वो होंगे कार्ट, इंक्रीजिंग माउंटेन ऑफ डाटा, तो कार्ट तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं जो ऑडिटर को मदद करते हैं।
कॉमन सॉफ्टवेयर टूल जो जनरली कॉमन सॉफ्टवेयर काम आते हैं ऑडिट के अंदर, जैसे एमएस एक्सेल हो गया, लोटस हो गया, आरडीएमएस हो गया, एमएस एक्सेस हो गया, वाइट स्प्रेडशीट हो गया, ये सब लोअर कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाते हैं। जनरल ऑडिट टेक्निक, जनरल ऑडिट टेक्निक मतलब टेस्टिंग डिफेंस। टेस्टिंग डिफेंस मतलब खुद को मैं, जैसे चोर अगर है तो उसके चोर के अज्यूम करूंगा कि अगर मैं चोर होता तो मैं कैसे चोरी करता, मतलब मैं सस्पेक्ट, अपने आप को सस्पेक्ट समझ के सोचता कि चोर कैसे चोरी करता, उस हिसाब से मैं अपने आप को डिफेंस करूंगा, उस हिसाब से मैं डिफेंस करूंगा, डिफेंस यूर सेल्फ, उस हिसाब से मैं सिस्टम बनाऊंगा ना, मैं पहले चोर होता तो मैं ये वीकनेस सोच के यहाँ पर चोरी करता, तो मेरे को पता पड़ गया, तो मैं वीकनेस पता कर ली मैंने, तो उस वीकनेस को मैं सही करूंगा, वीकनेस में फाइंड करूंगा कैसे, अटेम्प्ट टू पुट यूर सेल्फ इन द शू एंड थिंक लाइक द सस्पेक्ट। स्टेटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टूल, स्टेटिस्टिकल मैथमेटिकल टूल में ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस करूंगा मैं जनरली कि किसके अंदर, सर्दी के अंदर मेरी इस कंपनी की सेल ज्यादा होती है, गर्मी के अंदर इस कंपनी की सेल ज्यादा होती है, ये फलान डिग्री तरह के ट्रेंड एनालिसिस करूंगा। रेशियो एनालिसिस करूंगा, पिछली बार कंपनी का करंट रेशियो 1.33 था, इस बार कंपनी का करंट रेशियो ओनली 0.33 हो गया, तो इतना कम क्यों हुआ, कोई तो फ्रॉड हुआ है, अलग अलग तरह के फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस करूंगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड टेक्निक, टेक्नोलॉजी बेस्ड या डिजिटल डिजिटल फॉरेंसिक टेक्निक में क्या क्या करूंगा, हर ट्रांजेक्शन आजकल जो भी होता है सबके डिजिटल फुटप्रिंट होते ही होते हैं, हर चीज एक लॉग छोड़ के जाता है, लॉग्स समझते होंगे तुम, LOG लॉग्स, ठीक है ना, तो अब वो मुझे ईमेल करूंगा, ईमेल, अब वो सब चीजें मैं चेक करूंगा, डिजिटल चीजें चेक करूंगा, ईमेल, अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फोन लॉग, अब क्या क्या, कोई भी फाइल, चाहे मैंने अकाउंटिंग एंट्री फाइल पास करी हो, अकाउंटिंग एंट्री अगर मैं SAP, अगर तुम सिस्टम जानते हो, अगर मैंने डिलीट करी है SAP के अंदर, तो भी उसका एक लॉग होगा कि इस जने ने अकाउंटिंग एंट्री पास करी थी इतनी बज के, इस जने ने ऑथोराइज करा था, इस जने ने डिलीट करा, हर चीज़ का एक लॉग होगा, चाहे मैंने डिलीट भी क्यों नहीं कर दी, डिलीटेड फाइल का भी एक रिकॉर्ड होगा। अलग अलग तरह के ट्रैकिंग लॉग होंगे मेरे पास, PC के सिस्टम लॉग होंगे मेरे पास, फ्री लॉग टूल्स भी होते हैं इसके, ठीक है ना, तो ये सारे लॉग्स के रिलेटेड पॉइंट हो गए, ये चार पॉइंट ये याद कर लेना, डिलीट भी कर दी फाइल तो भी अपने पास लॉग होंगे, अब वो ट्रैकिंग लॉग भी हो सकते हैं, PC सिस्टम लॉग भी हो सकते हैं, फ्री लॉग भी हो सकते हैं, ट्रैकिंग लॉग, PC लॉग, फ्री लॉग, ट्रैकिंग लॉग, PC सिस्टम लॉग और फ्री लॉग, ट्रैकिंग लॉग, PC लॉग, फ्री लॉग, ट्रैकिंग लॉग, PC लॉग, फ्री लॉग, ट्रैकिंग लॉग, PC लॉग, फ्री लॉग, और ये इनकेस तरह के भी एक कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं अभी, अलग अलग तरह के टूल्स एंड टेक्निक के सॉफ्टवेयर, MD5, क्रॉस ड्राइव एनालिसिस, लाइव एनालिसिस, स्टोक्रेसी, फोरेंसिक स्टोक्रेसी, पाँच छः कोई भी याद कर लो ये बार, ठीक है ना, चार तो ये याद हो गए, इनकेस और MD5 ये दो याद कर लो, ये दो भी तुमको एक बार पढ़ लो, जो जो याद हो जाए काफी है, पाँच छः हो जाएंगे, ठीक है ना। अब जनरलाइज ऑडिट सॉफ्टवेयर, ये काट का ही पार्ट होते हैं, कार्ड के पार्ट होते हैं जो अलग अलग तरह के डाटा एक्सट्रैक्शन को समराइज, बहुत सारे तरह के डाटा होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करके समराइज कर देते हैं, उसी का जनरल सॉफ्टवेयर जो होते हैं कार्ड के पार्ट एक तरीके से, ठीक है ना। तो कार्ड, जैसे क्लास ऑफ कार्ड, एक तरह का कार्ड होता है जो डाटा एक्सट्रैक्शन करने में, उस पर क्वेरी डालने में, अलग अलग तरह के उसके ऊपर फिल्टर करने में, समराइज करने में, एनालाइज करने में मदद करता है, वही चीज है नॉर्मल। डाटा माइनिंग इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ गया, डाटा माइनिंग मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा के अंदर कोई ट्रेंड पता करना, कोई भी सॉफ्टवेयर डाटा माइनिंग सॉफ्टवेयर मतलब लार्ज नंबर ऑफ डाटा है उसके बीच में कोई ट्रेंड पता करना, जो मुझे पहले से पता भी नहीं था कि ये ट्रेंड हो सकता है, पर वो सॉफ्टवेयर अपने आप वो ट्रेंड पता कर लेगा। माइन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा, हिडन और अनएक्सपेक्टेड, हिडन और अनएक्सपेक्टेड ट्रेंड पैटर्न पता करता हूँ मैं, तीन तरह के होते हैं अब ये, DPD, 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 डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और डेविएशन एनालिसिस। DPD, DPD, डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और डेविएशन, डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग और डेविएशन, डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव मॉडल, डिस्क्रिप्शन, प्रिडिक्टिव डेविएशन, 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 डिस्क्रिप्शन, डिस्कवरी, प्रिडिक्शन, सॉरी, डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव डेविएशन, डिस्कवरी, प्रिडिक्टिव डेविएशन, ठीक है ना। अब डिस्कवर यूजुअल नॉलेज और पैटर्न विदाउट एनी प्रायर नॉलेज ऑफ फ्रॉड, मेरे को पहले प्रायर नॉलेज नहीं था फ्रॉड का, पर वो पैटर्न अगर बाद में सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिक निकाल के दिया, ठीक है ना। अब ये वही है, टेक्नोलॉजी बेस वाला समझा दो इसको, और एक ये हिडन पैटर्न वाला निकाल रहा है कि बताओ हिडन पैटर्न कौन निकालता है, ये डाटा माइनिंग बताता है, ये प्लान। अब ये वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो ये चैप्टर भी अपना खत्म हो गया, बहुत ही जल्द अपना पूरा फास्ट बैच खत्म हो जाएगा, तुम लेट देख रही हो तो ऑलरेडी खत्म हो चुका होगा, नीचे प्लेलिस्ट दी होगी मैंने। अब अगर तुमको पूरी बुक परचेस करनी है ये वाली, तो तुमको नीचे मैंने लिंक दे रखा है, वहां से परचेस कर लो, 200-250 रुपए की सॉफ्ट कॉपी है, सस्ती सी कर सकते हो, पर नहीं सर हमको तो नहीं पैसे बिगाड़ने, अपने पैसे बिगाड़ने नहीं है, इन्वेस्ट करना है ना, तो तुम हमको तो अभी नहीं करने, तो आप फ्री नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल मैंने नीचे दे रखा है लिंक, टेलीग्राम चैनल में जाके आप फ्री नोट्स उठा सकते हो। चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब कर देना।